नमस्कार, 3 AM पे वक्त हो चुका है तेज रफ्तार की खबरों का। आइए आपको बताते हैं देश दुनिया का हाल खबर नॉन स्टॉप में। बलरामपुर उतरौला संपर्क मार्ग पर तेज रफ्तार ट्राला ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। मृतक रंजन गुप्ता उतरौला कोतवाली क्षेत्र के श्री दत्तगंज का निवासी। काशीपुर की तीन तलाक की लड़ाई लड़कर सरकार से कानून बनवाने वाली याचिकाकर्ता सायरा बानो ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सायरा बानो को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सायरा बानो ने भाजपा में मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतर कार्य करने को लेकर पार्टी में निष्ठा व्यक्त किया है। पार्टी ने मतलब ज्वाइनिंग के लिए ऑफर दिया तो मैंने मतलब मैंने कहा कि मतलब इससे अच्छा मतलब समाज सेवा और पार्टी की जो नीतियां हैं उन सब को देखते हुए मैंने सोचा कि शिक्षा समाज हित के रूप में कार्य करना और जो बीजेपी पार्टी के साथ काम करना के साथ जुड़ के काम करना उचित रहेगा। चाकसू में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंत्री अलका गुज्जर एवं जिला अध्यक्ष रामानंद गुज्जर के चाकसू आगमन पर कोठकावदा मोड़ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अलका गुज्जर का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही रामानंद गुज्जर का जिला अध्यक्ष का भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। चाकसू जिले के बस्सी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत तुगा के चुनावी रिकाउंटिंग की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिला व पुरुष ने पंचायत समिति के सामने रात भर से भूखे प्यासे धरना दिया। उनका आरोप है कि कविता सैनी की मतगणना में गड़बड़ी हुई है। बहरोड के उपखंड के गूंटी गांव में हाई टेंशन लाइन टूट जाने से कड़वी में आग लग गई। सूचना पर निमराना से पहुंची दमकल ने आग पर काबू, लेकिन आगजनी से काश्तकारों की लगभग 2000 मन कड़वी जलकर राख हो गई। ग्रीन लैम्प फैक्ट्री के HR हेड ने ग्रुप 4 के अधिकारी और महिला गार्ड द्वारा झूठे केस में फंसाने की धमकियों से प्रताड़ित होकर किया आत्महत्या। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन और कंपनी के अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया। मृतक HR हेड संजय लोहानी उत्तराखंड के हल्द्वानी का रहने वाला था, जो पिछले 16-17 साल से ग्रीन लैम्प कंपनी में ही HR डिपार्टमेंट में कार्यरत था। उसने कल सेल्फोस खा करके सुसाइड किया। प्राथमिक रूप से हमने उसको पहले कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार में स्टेबल होने के बाद में हमने उसको मेदांता भी लेके गए, पर अल्टीमेटली उसको बचा नहीं पाए। साथ ही हमारा पिछले 17-18 साल से हमारे साथ था, बहुत ही सज्जन उत्तराखंड का रहने वाला था, बहुत सज्जन अच्छा व्यक्ति था। कोरोना संक्रमण के दौर में जिला प्रशासन सिकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सुधीर महारिया स्मृति संस्थान एवं नेहरू युवा संस्थान सिकर के संयुक्त प्रयासों से सिकर के युवा कोरोना से संक्रमित गंभीर रोगियों को प्लाज्मा दान कर उनकी जान बचाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के इस दौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी के निर्देशन में सीकर के युवा प्लाज्मा डोनेशन में अग्रणी भूमिका निभाकर एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले डूंगरपुर जिले के आजपुर विधानसभा के सभी मंडल के शक्ति केंद्र प्रभारी की बैठक की गई। बैठक में हाल ही में डूंगरपुर जिले में हुए उपद्रव के बारे में गंभीरता से विचार किया गया और आगे आने वाले पंचायत चुनाव के बारे में समीक्षा ली गई, साथ ही आगे की रणनीति तैयार की गई। सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी घृणित धमकी के खिलाफ प्रदर्शन, आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशी जय शंकर झा ने अपना संकल्प पत्र जारी करते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रोफेसर झा ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए नियोजित शिक्षकों के समान काम, समान वेतन, संस्कृत एवं मदरसों के शिक्षकों के 2 दर्जे को खत्म करने, अतिथि प्राध्यापकों को सेवा के समंजन करने की प्रतिबद्धता जताई।
दरभंगा में दुर्गा पूजा को लेकर नगर थाना अंतर्गत शांति समिति की बैठक हुई। आयोजित बैठक में दरभंगा जिला के सारे दुर्गा पूजा समिति के मेंबर ने लिया भाग। बैठक में कोरोना महामारी के कारण गृह विभाग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पूजा करने का निर्णय लिया गया। दुर्गा पूजा को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन आया है, उसमें है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान में पूजा नहीं होगा। मंदिर में जो मूर्ति बैठेगा वहीं पूजा होगा। किस तरह का पंडाल नहीं बनाना है, किस तरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होगा और रावण वध का प्रोग्राम नहीं होगा, उस चीज़ को गाइडलाइन मैंने पालन करना है, इसीलिए आज शांति समिति की बैठक बुलाया गया। लोकनायक जयप्रकाश की जयंती के अवसर पर वाईएस वाटिका में एनडीए आयोजित किया प्रेस वार्ता। सांसद पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा राधा मोहन सिंह ने अपने विचार रखे तथा जयप्रकाश नारायण जी के जीवन पर प्रकाश डाल उनको याद किया गया। आज जेपी जयंती के अवसर पर मैं बिहार और अपने क्षेत्र के भी युवाओं से विनती करना चाहूँगा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर बिहार के अंदर युवकों पर जुल्म ढाए, मीडिया पर जुल्म ढाए, आज का दिन हम सबको यदि सच्ची श्रद्धांजलि जेपी को देना है तो कांग्रेस और उसके गोद में बैठी हुई जितनी पार्टियां हैं उनको सबक सिखाकर हम जयप्रकाश जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। मोतिहारी के सुगौली छपुआ रक्सोल अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज जेलो की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद जेलो चालक फरार होने में कामयाब रहा। थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजा गया है, साथ ही जेलो वाहन को जब्त कर लिया गया है। खबर नौशा फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 3N न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।